अभी तक हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो हम लोग जाने थे इसमें कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। तो एक बार हम नजर डाल लें फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये छह फॉर्मूले थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको शो करना है कि साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो किसी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को या तो कॉस को। मैं यहाँ पर साइन को चेंज करता हूँ, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी हम साइन को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कॉस में। तो साइन 70 प्लस थीटा को क्या लिखा जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह ये पूरा का पूरा आपको लिखना होगा, यानी 70 प्लस थीटा माइनस, इसको आप वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब बताइए क्या मिलेगा आपको, तो ये हो गया कॉस, इसको सिंपलीफाई कीजिए, तो 90 माइनस 70 माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, 90 माइनस 70 20 माइनस थीटा, कॉस 20 माइनस थीटा। बताइए दोनों सेम है, यहाँ भी कॉस 20 माइनस थीटा और यहाँ भी कॉस 20 माइनस थीटा, कट गया, आंसर क्या हो गया आपका, जीरो। तो यह हो गया आपका एक तरीके का क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो आपको एंगल दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलेगा कि इसको एक सिंपलेस्ट वैल्यू में लिखिए, ठीक है ना, या बोलेगा आपको कि एक्यूट एंगल में लिखिए। एक क्वेश्चन हम लोग आते हैं उस पर। क्वेश्चन आपको है, री राइट इन फॉर्म ऑफ एंगल्स लाई बिटवीन 0 degree एंड 45 degree, मतलब 0 और 45 से लेस में आपको कन्वर्ट करके लाना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, कॉस 75 degree प्लस साइन 80 degree। देखिए यहाँ पर दोनों एंगल जो आपको नजर आ रहा है, 75 ये भी क्या है मोर देन 45, और ये 80 degree ये भी आपको मोर देन 45। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इन दोनों को वैसे एंगल में एक्सप्रेस कीजिए, वैसे टर्म में एक्सप्रेस कीजिए जो आपको 0 degree और 45 degree के बीच में है, मतलब मोर देन 0 एंड लेस देन 45 के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट यहाँ पर, तो कॉस है, कॉस को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन में। बताइए कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, तो साइन 90 माइनस 75 इसको लिख सकते हैं। इसको बताइए क्या लिखेंगे हम, तो कॉस 90 माइनस 80 degree क्या हो जाएगा आपको, तो साइन 90 माइनस 15 50 degree, 90 माइनस 10 10 degree, यानी आंसर क्या हो गया मेरा, साइन 15 degree प्लस कॉस 10 degree। मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और देखिए यहाँ पर एंगल जो आपको नजर आ रहा है वो मोर देन 0 एंड लेस देन 45 है, मतलब 45 से कम और 0 से ज्यादा है, और इस फॉर्मेट हम इसको लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, ये आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये आपको शो करना है किसके लिए, तो इन ट्रायंगल एबीसी में, कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें आपको शो क्या करके दिखाना है, शो का है या प्रूफ का, कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए बाई टू होगा। देखिए इसका प्रोसीजर क्या है,
तो क्या हम कहेंगे, तो बात कर रहे हैं किसका, तो ट्रायंगल एबीसी का। इसमें क्या मिलेगा आपको, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां देखिए कौन है, तो बी प्लस सी है, तो यहां से एंगल बी लिखे या बी लिखे बात एक ही है, तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, तो 180 माइनस ए। इस ए को हम क्या किए, उस तरफ ले गए। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन को आपका अल्जेब्रा नहीं है, साइन आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर कोई आदमी लिख लेते हैं कि टेकिंग साइन बोथ साइड या टेकिंग कॉस बोथ साइड, ये गलत है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया है उसी पर हम प्रोसीड करते हैं। तो क्या प्रूव करना था, तो साइन बी प्लस सी बाई टू लिखेंगे क्या हम, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, ये होगा साइन बी प्लस सी का वैल्यू, तो 180 माइनस ए, नीचे 2 है तो 2 रहेगा ही। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ब्रेक कर दीजिए इसको, बताइए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 है, यहां से अलग अलग हो गया 2 से 90 बार में, और ये तो यही रह गया, यानी क्या मिल गया हमको, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब बताइए फॉर्मूला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कौन आ गया है, ये पूरा का पूरा ए बाई टू है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो इतना इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलता है कि टेन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू, तो ये आप लोग के लिए समझ लीजिए क्वेश्चन ही है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसीजर पर है और आपका आंसर ये प्रूफ हो जाएगा। बढ़ते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस तरह क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये आता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यही इसके लिए वही प्रोसीजर है, आप या तो साइन को कन्वर्ट कीजिए या कॉस को कन्वर्ट कीजिए, किसी भी प्रोसेस से बनाइए, आंसर आपका वही आएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ दोनों प्रोसेस बता दूंगा, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करके, दोनों में सिमिलर आंसर आएगा। तो देखिए आप लोग, पहला प्रोसेस अगर बात करें, तो मान लीजिए कोई आदमी साइन को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, तो कॉस में, बताइए क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन मेरा दिया गया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, इसको हम क्या लिख देंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, तो पूरा का 2 थीटा छापिएगा, मतलब उतार दीजिएगा इसको, और यहां आपका है कॉस 4 थीटा। अब देखिए यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कॉस ये कुछ कैंसिल कर देंगे, तो इसको कैंसिल नहीं करना है, ये अलजेब्रा नहीं है, सीधा सीधा आप ऐसे लिखिएगा बस, यहां पर और का सिंबल, फिर क्या लिखेंगे हम, तो 90 माइनस 2 थीटा, मतलब ये टर्म आपका इसके इक्वल, बस यही आपको करना है, ये नहीं काट दीजिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू माइनस 2 को उधर ले जाइए, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 90 इज इक्वल टू 6 थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 बाय 6, यानी कितना हो गया आपको 15 डिग्री आंसर। तो ये हो गया आपका मेथड 1। अगर मान लें कोई आदमी कॉस को कन्वर्ट करना चाहते हैं इधर से, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको क्या लिखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 थीटा इधर क्या है 4 थीटा, तो आप ये लिखिएगा, यहां भी साइन साइन कैंसिल नहीं करना है, सीधा लिख देना है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा, ये आपका इधर आएगा, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 बाय 6, यानी कितना आंसर हो गया 15 डिग्री। देखिए आप दोनों प्रोसेस में आंसर सेम आया है। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, तो यहां दिया हुआ है आपको कि tan 3a
इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 26 डिग्री। यहां से आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या है क्वेश्चन में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां भी वही प्रोसेस हम करेंगे, या तो आप टेन को कॉट बदल दिए या कॉट को टेन में, तो इसी को आप बदलिए ज्यादा सिंपल पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, टेन थ्री ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 26 डिग्री। बताइए टेन को हम कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा, थीटा की जगह कौन है, थ्री ए है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा की जगह थ्री ए रह गया, यहाँ कॉट ए माइनस 26 डिग्री। फिर वही बात हम कहेंगे, यहाँ कॉट कॉट कैंसिल नहीं करना है, इसको आप और इसको आप इक्वेट कर दीजिए, तो 90 माइनस थ्री ए इज इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री। इस ए को आप इधर ले जाइए और इसको इस तरफ, तो 90 प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू 3a प्लस ए, यानी 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 116 बाय 4 कट के 29 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड चार पांच टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीख गए हैं। तो अब आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड एक्सरसाइज होगा उसे आप कीजिएगा, और जहां प्रॉब्लम हो उसे आप पूछिएगा।